are blazing, so let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father. प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हम आपको लाइट ऑफ द नेशन सुसमाचार प्रोग्राम पर स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर शालिनी पलिल हूँ, डुआटर कैलिफोर्निया से, क्रॉस टीवी नेटवर्क पर। आइए परमेश्वर का जो संदेश है, जो पाठ हमारे लिए परमेश्वर ने आज के लिए रखा है, उसको हम सुने और उसके द्वारा हम आशीर्वाद पाइए। दुआ मांगेंगे। प्यारे प्रभु, तू ही हमारा सहायक है, तू ही जिंदा परमेश्वर है। तेरे पास हम आते हैं कि तेरा वचन जो है, पवित्र आत्मा हमसे बोल और बातचीत कर, हमारे आंदरी कानों को तू खोल दे और हमारे आंदरी आंखों को तू खोल दे, ताकि तेरा वचन हम समझ सके और ताकि तेरा वचन हम सुन सके, और हमारे हृदय को भी प्रभु तू ही खोल दे, ताकि तेरे वचन को हम स्वीकार कर सकते हैं। हम ये सब कुछ यीशु मसीह के बड़े नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से जो विषय है जिसको हम पढ़ेंगे, वो आज्ञा पालने के बारे में है। परमेश्वर का जो आज्ञा है उसको मानने का जो उपदेश है, उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे परमेश्वर के वचन से। तो हम सबों को मालूम है कि जब हम बोलते हैं आज्ञा पालने वाला जो विषय है, हम उसके ऊपर हम उसको सोचते हैं, तो हमारे मन में एकदम से आता किसका नाम आता है? अब्राहम का नाम आता है, क्योंकि हम उत्पत्ति का पुस्तक में देखते हैं, उसके 12वां अध्याय में हम देखते हैं, 1, 2 और 3 आयतों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, तुम सब कुछ छोड़ के तुम निकलो, अपने कुटुंब को, अपने पिता, अपने आसपास पड़ोसी, घर वर और सब कुछ को छोड़कर तुम निकलो मेरे पीछे। जहां मैं जाऊं ले जाऊंगा वहां पे तू आओ, और हम एकदम तुमको आशीष का जो जगह है, जो देश है, हैं सारे आशीर्वाद का जो देश है, उधर हम तुमको ले जाएंगे। हमको मालूम है कि जो अब्राहम था वो मूर्तियों को पूजा करने वाला था, पहले परमेश्वर के पीछे आने के पहले। तो कैसा अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा पाला? आप सोच लीजिएगा कि उन दिनों में कोई जीपीएस नहीं था, अब्राहम के हाथ में पास में कोई जीपीएस नहीं था, ना उन दिनों में कोई ट्रिपल ए था कि अब्राहम जा सकता था, वो ट्रिपल ए का जो ऑफिस है ओ उधर जाके हम कैसा हम जाए, कहाँ किधर जा रहे, कुछ भी नहीं। वो किसी को भी नहीं मालूम था, अब्राहम को भी नहीं मालूम था कौन किधर कौन जगह परमेश्वर ले जा रहा है। फिर उन दिनों में मैप क्वेस्ट भी नहीं था, ताकि अब्राहम जो है ना वो पंचन करके देख ले, भाई ये एड्रेस है, इसको हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से जा रहा है, कुछ भी नहीं। जैसा परमेश्वर ने उससे बोला तुम निकलो मेरे पीछे, वैसा ही अब्राहम निकल पड़ा। उसने परमेश्वर का आज्ञा पाला, अपने देश को, अपने सब कुछ को छोड़ के परमेश्वर के पीछे वो लग गया और चलने लगा। देखिए, आज्ञा पालना सिर्फ एक बार की बात नहीं है। हमको मालूम है कि जब अब्राहम ने ये तो पाल लिया, तो अब्राहम ऐसा हो सकता है कि उसने सोचा कि चलो मैं ना परीक्षा में पास हो गया हूं, परमेश्वर ने हमसे बोला आज्ञा पालो, मैंने ये आज्ञा पाल लिया, बस अब तो और कोई पालना नहीं है। नहीं,
जो हमारी जो मसीह की जो जिंदगी है ना, बार बार परमेश्वर हमको दूसरे दूसरे आज्ञा देता रहता है। जितने भी आज्ञाएं वो हमको दे, वो सब हमको पालना चाहिए। हैं? क्या हम देखते हैं कि कभी कभी जब परमेश्वर हमको आज्ञा पालने के लिए बोलता है ना, तो हमको जरा वो कष्ट होता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों? हम सोचते हैं कि कैसा हम ये सब चीज छोड़ेंगे, कैसा होएगा अगर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो हमारा क्या होएगा, क्या हमारा भविष्य कैसा होएगा। ये सब बातें के ऊपर हम ज्यादा ध्यान करते हैं और हम डर जाते हैं, और इसके द्वारा हम परमेश्वर का जो आज्ञा है वो नहीं पालते हैं। जितने बार परमेश्वर आज्ञा देता है उतने ही बार आज्ञा हमको आपको पालना है। कभी कभी परमेश्वर जब हमसे कुछ करने के लिए बोलता है तो हो सकता है कि जब हम सोचते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर हमको उखाड़ रहा है, जैसा अब्राहम को उखाड़ा। ऐसा समय पर हमको याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर जो है वो सर्व ज्ञानी है, मतलब वो सब कुछ जानता है। और जो कुछ परमेश्वर हमसे बोलता है करने के लिए वो हमारे अच्छे के लिए और आपके अच्छे के लिए कहता है, बोलता है, उसको हमको पालना ही चाहिए। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि परमेश्वर उसको बच्चे देंगे, संतान देगा, परंतु सारा ने अपना मिस्री नौकरी जिसका नाम नौकरानी जिसका नाम हजीरा था, उसको उसने अब्राहम को दे दिया, और उस संबंध के द्वारा इश्माएल पैदा हुआ। और हम देखते हैं कि दोनों औरतों के बीच में बहुत खटपट होने लगा है, सारा और हजीरा के बीच में खटपट होने लगा, क्योंकि पहले तो हजीरा द्वारा एक लड़का अब्राहम को पैदा हुआ, सारा का तो कोई बच्चे ही नहीं थे है? उसके बाद थोड़े साल के बाद हम देखते हैं कि सारा को जो परमेश्वर ने जो वादा और अब्राहम से जो वादा किया था कि हम तुमको बच्चे देंगे, वो वादा परमेश्वर ने पूरा किया और उनको एक लड़का दिया जिसका नाम था इसहाक। और तो सब ये जब ये दो बच्चे साथ में बढ़ने लगे, रहने लगे, इश्माएल वो बड़ा था, इसहाक इश्माएल से छोटा था, इश्माएल हजीरा का लड़का और इसहाक सारा का बेटा, ये दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा। आपको मालूम है ना, अगर दो बहनें नहीं तो दो भाई लोग एक साथ जब हम पुराने दिनों में हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था है, तो इसका बच्चा इनका बच्चा उनके बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा, और बहुत मुसीबत खटपट होता ही है, ये तो मनुष्य की आदत ही है। तो ये जब बहुत ज्यादा हो गया ना, तो सारा ने अब्राहम से बोला, देखो ये जो हाजिरा है और इसका जो लड़का इश्माएल है, ये दोनों को निकाल दो, घर से निकाल दो। तो अब्राहम को जो पहले देखो उसको तो बहुत दुख लगा, क्यों? इश्माएल तो उसका लड़का था, उसका खून था, तो इसको हम कैसे अभी बाहर कर देंगे, उसको मुश्किल हुआ। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, देखो जो सारा बोल रही है उसी तरह तुम करना, क्योंकि जो वादा मैंने तुमसे किया है वो इश्माएल के द्वारा, हजीरा के द्वारा नहीं पूरा होएगा, वो इसहाक के द्वारा ही पूरा होएगा और सारा के द्वारा ही पूरा होएगा। तो अब्राहम को तो दुख तो जरूर लगा, परंतु उसने परमेश्वर का आज्ञा पाला। सोच लीजिए कितना मुश्किल है, इसका अब्राहम का खुद का ही लड़का है और परमेश्वर उससे बोल रहा है इसको छोड़ दो, इसको निकाल दो, ये तो बहुत ही मुश्किल बात है, ये दुख लाता है और ये दिल को भी तोड़ डालता है। परंतु अब्राहम ने जो परमेश्वर ने आज्ञा उसको दिया उसको पूरी रीति से पाला।
देखिए जब हम कभी कभी जब हम परमेश्वर का आज्ञा नहीं पालते हैं तो हम अपने आप को जाल में हम ही अपने आप को डाल देते हैं और मुसीबत हमारे ऊपर हम ही ले आते हैं। परंतु अगर वो जाल से हमको निकलना है, छुटकारा मिलना है, वो मुसीबत से अगर हमको छुटकारा मिलना है, हमको फिर से परमेश्वर का आज्ञा पालना जरूरी है, हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुनते हैं, उसके विरुद्ध के हम जाते हैं, तो जरूर हम अपने आप को बहुत ही मुसीबत में ले लाके डाल देते हैं। और उससे अगर हमको उधार पाना है, उससे अगर हमको छुटकारा पाना है, सिर्फ एक ही मार्ग है। वो क्या मार्ग है? जो परमेश्वर हमसे बोलता है वो हम पाले, उसका आज्ञा हम उसी तरह पाले। प्रभु की बड़े नाम की जय जयकार हो। हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब उसकी 21 अध्याय 10 से 14 तक हम देखते हैं ये कैसा अब्राहम हजीरा को और इस्माइल को निकाल देता है। आज्ञा जब हमको पालना पड़ता है तब कई बार हमको मुश्किल लगता है, दुख सहना पड़ता है, कभी कभी दिल भी टूट जाता है, परंतु आखिर में अंतिम में हम समझते हैं कि परमेश्वर सब कुछ अच्छे के लिए कहता है और परमेश्वर सब कुछ अच्छे के लिए अच्छा कर सकता है। आमेन। हमारे लिए आशीष का कारण बन जाता है जब हम परमेश्वर का आज्ञा हम पालते हैं और दूसरे के लिए भी आशीष के कारण बन जाते हैं हम। अगर अब्राहम सोच रहा था कि चलो मैंने परमेश्वर का आज्ञा पाला है, अब हम स्वतंत्र है, अब्राहम को नहीं पता था कि सबसे बड़ा परीक्षा अभी अब्राहम अनुभव करने ही वाला था। क्योंकि पहले बार जब परमेश्वर ने अब्राहम से बोला तुम निकलो, वो निकल गया। फिर जब परमेश्वर ने बोला ये बच्चे को और हजीरा को निकालो, उसने निकाल दिया। अब अब्राहम सोच रहा चलो हमने ये सब परीक्षाएं मैं पास हो गया हूँ, अब तो हम एकदम स्वतंत्र हो गए, अब हम एकदम अच्छी तरह से हम रह सकते हैं। अब्राहम को नहीं मालूम था कि सबसे बड़ा जो परीक्षा वहां अभी आने ही वाला था अब्राहम के जिंदगी में, सबसे बड़ा पाठ, सबसे बड़ा आज्ञा अभी परमेश्वर अब्राहम को देने ही वाला था। तो हम ये कहां पे देखते हैं, हम देखते हैं ये कहानी, हम देखेंगे उत्पत्ति का किताब उसकी 22 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। सुनिए परमेश्वर का वचन। यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुरा कर उसका घात कर आए बच्चे डाले, तो वह बैल के बदले 5 बैल नहीं, ये तो रेफरेंस मेरा, एक मिनट, मेरा किताब जो मैंने खोला है वो गलत है, उत्पत्ति में नहीं खोला हमने हम दूसरे किताब खोल के, इसलिए तो नहीं मिल रहा है हमको। चलो अब इन बातों 22 उत्पत्ति का 22 1 से लेकर 8 तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, है अब्राहम? उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौता पुत्र इसहाक को जिससे तुम प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर मैं जो तुम्हें बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अर्थात अब्राहम सवेरे, देखिए परमेश्वर ने क्या उससे बोला, तेरा पुत्र इसहाक जिसको तुम बहुत प्यार और प्रेम करते हो उसको तुम बलिदान कर दो और मैं तुमको बताऊंगा कहां ले जाना है ये बच्चे को।
अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसे अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथों में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, है मेरे पिता। उसने कहा, है मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, है मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। ये अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा पाला, आज्ञा माना, अपने बेटों के साथ बेटे को साथ ले गया और लकड़ी भी ले गया और आग भी ले गया। और बीच में जाते 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 इसहाक पूछता है, पिताजी, पापा जी, ये सब तो है, पर होम बलि कहाँ है, भेड़ कहाँ है, भेड़ कहाँ है? तो बोलते, कोई बात नहीं बेटा, वो परमेश्वर देगा। आप सोच लीजिए कि अब्राहम का दिल उस समय टूट रहा होगा कि बाबा, बेटा, बच्चा, पुत्र, तुमको नहीं मालूम कि तू ही भेड़ है, परमेश्वर का होम बलि परमेश्वर ने हमसे मांगा है। परंतु इतना इसका दिल टूटा, आंसू भी शायद आ रहा होगा आंख में, क्योंकि दिल टूट गया। फिर भी अब्राहम पीछा ना हुआ, परंतु जो वो परमेश्वर के लिए जो आज्ञा वो पालने के लिए उसने जो मन रखा, वो उसके साथ वो आगे ही चलता रहा। अब हम देखें 14 से लेकर 18 तक, 14 आयत से लेकर 18 तक, यही अध्याय में हम देखेंगे। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा येरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार से कहा। उसने सब कुछ तैयार कर लिया और इसहाक को बलि देने के लिए चढ़ा दिया। तब स्वर्ग के दूत अब्राहम से पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरना अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनको के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों की अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर ने एक भेड़ दे दिया एकदम वो मार डालने के पहले और अब्राहम ने वो स्थान का नाम रखा यहोवा येरे, यानी कि परमेश्वर हमारे लिए देगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों का जो पुस्तक है उसकी 5वां अध्याय, इब्रानियों का पुस्तक उसकी 5वां अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और कैसा प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर का आज्ञा पालन किया, उसका हम 6 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों 5 उसका 6 से लेकर 9 तक। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में
ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर उससे जो उसके मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी परमेश्वर यीशु मसीह पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा परमेश्वर का पुत्र यीशु ने माना और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। प्रभु नाम प्रभु के बड़े नाम की जय जयकार होए। देखिए यीशु मसीह कौन है, सृष्टिकर्ता है, सारे चीजों को उसी ने रचा, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, परंतु उसने भी परमेश्वर पिता का आज्ञा माना और वो मानने हमको सिखाता है कि हम भी प्रभु का जो आज्ञा है उसको हम माने, उसको हम पाले। हम वापस आते हैं उत्पत्ति का किताब में, उसका हम देखेंगे अब 14 अध्याय में। वहां पे हम क्या देखते हैं, वहां देखते हैं कि अब्राहम जो है वो ना उसको वो उसका जो नेफ्यू था वो उसको पकड़ के ले गए। कौन पकड़ के ले गया, शिनार के राजा अम्रेफेल और एलासर के राजा अर्योक और इलाम के राजा कदोली ओमेर और गोमिया के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सुदोम का राजा बेरा और अमोरा का राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोईम के राजा शमेवेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। युद्ध करके क्या हुआ कि वो सब कुछ ले गए, उसके साथ वो जो अब्राहम का जो नेफ्यू था जिसका नाम लूत था उसको भी पकड़ के ले गए, सब कुछ पकड़ के ले गए। तो जब ये जो खबर अब्राहम को मिला तो अब्राहम एकदम से क्या हो गया, वो एकदम से उसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा चलो हम तो युद्ध करने जाएंगे, और क्योंकि ये हमारा लड़का है, हमारा बेटा है, इसको हमको सुरक्षित करना है, उसको हम वापस लेके आएंगे करके युद्ध करने गया और वो युद्ध करने के लिए निकल गया। तो जब वो युद्ध करके जब वो परमेश्वर ने उसका परमेश्वर उसके साथ था अब्राहम के साथ और परमेश्वर ने उसको जयवंत बनाया, और जब वो वापस लौट के आ रहा था है? जब ये वापस लौट के आ रहा था तब देखिए क्या होता है, तब एक जन जो भागकर बच न, आ, आ, एक मिनट जब वह कदोर ले उमर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता 17 आयत से लौटा आता था, तब सुदोम का राजा शवे नामक तराई में जो राजा की तराई भी कहलाती है उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलकीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू धन्य हो। ये अब्राहम के लिए आशीर्वाद है, है और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों के तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशांश दिया। तब सोदोम के राजा ने अब्राहम से कहा प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सोदोम के राजा से कहा परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी की अधिकारी है उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत
और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। देखिए, अब्राहम को परमेश्वर यहोवा ने सारे आशीर्वाद अब्राहम के ऊपर उंडेल दिया, वो दुश्मन के ऊपर जयवंत पाया, जयवंत हुआ, परमेश्वर उसके साथ में था। और अब्राहम को मालूम था कि ये सारे जो आशीर्वाद है ये किसी और जगह से नहीं आया है, परंतु ये पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने इसके ऊपर उंडेला है। और सोदोम के राजा से बोला, तू ले जा ये सब कुछ, मेरे को एक सूती भी नहीं चाहिए, ना जूता भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कोई बोल सके कि देखो मैंने ही अब्राहम को एकदम धनवान बनाया। नहीं, परमेश्वर ने हमारे ऊपर आशीष उंडेला है। आज तो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, कौन सा आज्ञा पालने के लिए आपको बुला रहा है? यीशु के पास आप आइए, उसमें विश्वास करें, वो जो आपसे कहता है वो करें, ताकि आप आशीर्वाद पा सके। यीशु के पीछे जो भी आता है, यहोवा परमेश्वर के ऊपर जो भी विश्वास करता है, आज तक वो शर्मिंदा नहीं हुआ है। परमेश्वर असली में उनके ऊपर बहुत से आशीष उंडेला है और वह सफल हुए हैं, और जहां भी वो गए हैं वहां सब परमेश्वर का साथ उनके साथ था। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्यारे प्रभु, हम तेरी तारीफ और स्तुति करते हैं ये पाठ के लिए कि तूने अब्राहम को बुलाया। उसको नहीं मालूम था कि वो कहां जा रहा है, परंतु तू सब कुछ जानता है। आज तू हमको बुला रहा है, तेरे पीछे बुला रहे हैं, तेरे पीछे आने के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो कोई आपको नहीं जानते हैं, जो कोई आपके विरुद्ध है, आज उनके हृदय को तू पिघले प्रभु, और वो पहचाने कि तू जो है सारे आशीर्वाद का जो सूती है तेरे से ही आता है। तू सारे स्वर्ग और दुनिया के ऊपर तू ही है, तेरे सिवाय और कोई नहीं है। और जैसे आपने अब्राहम के ऊपर हर एक तरह की आशीर्वाद उंडेला है, उसी तरह वो समझने के लिए, वो स्वीकार करने के लिए तू हमको मदद कर। प्रभु, हम तेरे पास आते हैं क्योंकि तेरे पास सिर्फ ये दुनिया के लिए आशीर्वाद नहीं, परंतु नित्य जीवन, परंतु अनंत जीवन, परंतु ये जीवन के बाद भी जो जीवन है प्रभु, उसके लिए भी तेरे पास हर एक तरह की आशीष है। हम तेरे हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, तेरे को हम अपने हृदयों में स्वीकार करते हैं, तेरे नाम को हम पुकारते हैं। प्रभु, तू अपनी आशीष हमारे ऊपर, सबके ऊपर उंडेल दे। ईश्वर के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आमीन।